सीधे लाइव चलते हैं और वहां की क्या तस्वीरें हैं वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। मोहम्मद मोइन, क्या तस्वीरें मतदान की वहां से? अभी देखिए, आपको बता दें कि अंबेडकर नगर की 5 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। शुरुआती 2 घंटे की बात करें तो 10% वोटिंग हो चुकी है और ज्यादातर पोलिंग सेंटर पर इसी तरीके से वोटर्स की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं टांडा विधानसभा क्षेत्र के सूरापुर सेंटर पर। 4 पोलिंग बूथ हैं और हर एक पोलिंग बूथ पर आपको इसी तरीके से मतदाताओं की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। जो लोकतंत्र में वोटर्स की जिम्मेदारी है, जो वोटर्स का कर्तव्य है, उसको यहाँ के लोग निभा रहे हैं। और ठीक पीछे देखिए, महिलाओं की भी लंबी लाइन लगी हुई है, यानी जो आधी आबादी है वो आधी आबादी अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभा रही है। सुरक्षा के खास इंतजाम यहां पर किए गए हैं और आपको बता दें कि अंबेडकर नगर पिछली बार यानी साल 2017 में फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था और जिस तरीके से आज वोटरों की लंबी लाइन लगी हुई है उससे ये उम्मीद जताई जा सकती है कि इस बार भी अंबेडकर नगर फर्स्ट डिवीजन पास होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी यज्ञेश त्रिपाठी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, जो वोटरों की लंबी लाइन लगी हुई है, क्या लगता है कि लोग अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभा रहे हैं? देखिए, ये प्रशासन ने भी काफ़ी इसमें पहल की कि वोटर ज़्यादा से ज़्यादा वोटर अपनी संख्या बढ़ाएं और अब देखने पे लग रहा है लंबी लाइन सुबह से ही लगी हुई है। पहले मतदाता देर से आते थे लेकिन अब की बार देखने को मिला है कि 7 बजे ही लोग लंबी लाइनें लग गई थी और लोग काफ़ी संख्या में बिल्कुल जो तमाम लोग लगे हुए यहाँ पर जैसे लेते हैं। एक छोटी बच्ची है, लगता है कि फर्स्ट टाइम वोटर है। आप पहली बार वोट डाल रही? यस सर। क्या नाम है आपका? सोनल कन्नौजिया नाम है सर। ये बताइए, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? सर, जो अच्छा काम करेगा, मतलब हमारे हित में काम करेंगे, उनको हम वोट देंगे। आप बताइए, आप महिला हैं तो कुछ महिलाओं के मुद्दे होंगे जिन पर आप वोट करेंगे? हाँ। क्या मुद्दे हैं? जो अच्छा काम करेंगे वोट देंगे। और इस वक्त गोरखपुर सांसद रवि किशन कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। बाहर निकला है और ऐतिहासिक वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ही जो वोटिंग परसेंटेज वो बढ़ता ही जा रहा लगातार। पूर्वांचल की वोटिंग एक आज इतिहास, आज एक रिकॉर्ड कायम करेगी। इस बार मुद्दा क्या है वोटिंग का? विकास है या 80 बनाम 20? सुरक्षा व्यवस्था जो यहाँ कभी थी ही नहीं, मेडिकल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, गोरखपुर एक ज्ञान का केंद्र बना, तो सुरक्षा, हेल्थ व्यवस्था और एजुकेशन सिस्टम, ये रहा। सड़क, बिजली, पानी, अनाज, मुफ्त अनाज को कोरोना में विरोधी नहीं थे हम लोग कार्यकर्ता, सब भारतीय जनता पार्टी के खड़े थे, वो सब है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो हम लोगों को 300 का आंकड़ा पार करवा रहा है वो सुरक्षा व्यवस्था, जो 70 साल तक यहाँ नहीं थी। हर माँ बहन बेटी परिवार यही चाहता है कि ऐसी सरकार में रहें जहाँ हम लोग सुरक्षित रहें, जहाँ पे दंगाई ना रहें, जिन्नावादी सोच ना रहे, अलगाववादी बातें ना रहें। हिंदू भी यहाँ, मुसलमान भी यहाँ रहता है। अभी यहाँ 2017 से कोई दंगा नहीं हुआ। पहले अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले ठंडे पड़ गए। कहाँ देखो, 5 चरण के पूरा घर महाराज महादेव पूरा ऐसा गर्मा है कि 10 मार्च के पूरा उबाल इसे उछली। क्या बात कर रहे हैं, ठंडे नहीं पड़े हैं तो अपने अंदाज में अगर कुछ सुना दे आप लोगों को, क्योंकि आपसे लोग उम्मीद कर। भैया 22 के खाई से छोड़ दो बबुआ फगुआ। अखिलेश बाबू, अरे ढूंढा दो सर काम, जनता के मन भाई गईल बा, अरे योगी जी के का है कि भैया हो इबेर ना साइकिल ना हाथी ना हाथ बा, ना साइकिल ना हाथी ना हाथ बा, यूपी में सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ। अरे रणवीर बाबू, एक तो सुन ला जो पूरा देश आज सुना था कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और मई और जून के गर्मी में ये शिमला नियन बर्फ जमा दे इसको योगी आदित्यनाथ। देखिए रवि किशन, तो देखिए अपने फिर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले ओम प्रकाश राजभर भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे थे, वोट करने के लिए पहुंचे थे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं क्योंकि कोई भी तस्वीर आपसे छूटेगी नहीं। एबीपी गंगा लगातार महाकवरेज कर रहा है और एक एक दर्शक अपने एक एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रही है। देखिए उस दौरान की तस्वीर, जब ओपी राजभर सुबह सपा के अध्यक्ष मतदान करने के लिए पहुंचे, उस दौरान की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। छठे चरण के लिए मतदान हो रहा है,
ऐसे में लोगों से अपील भी की जा रही है। इसके साथ साथ एक एक तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ और लोग भी साथ में मौजूद हैं, साथ ही साथ ओपी राजभर भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, वोट उन्होंने डाला है। ऐसे कि योगी मोदी बहुत परेशान कर रहे महिलाओं के लिए, ऐसे कि महिलाओं लोग अभी तरह से परेशान हैं, ऐसे कि जो फोन हर चीज दुकान दौरी सब कुल बंद कर दिलन, रोजगार बंद कर दिलन, और फिर लड़कन के पढ़ाई लिखाई एकदम डांड कर दिलन, लड़का सब साल दो साल से बैठल बाड़न, फिर ओकरे बाद में महिलाओं सड़क पर उतर के रोवत बाहन कन्नत बाहन कि भाई दारू काहे ना बंद कैला, दारू बंद कर देवे चाहिए भाई, दारू पिए वाला लड़का जो आदमी सरकार ऐसा कर दे बा कि दारू बंद करो, दारू बंद करके महिलाओं को मतलब शिक्षा दे। अच्छा, अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे और इनको किस रूप में आप देखना चाहती हूँ? बहुत बढ़िया देखनी चाहिए, उप मुख्यमंत्री या किस रूप में आप देखना चाहती हैं? अपने धंधा के लिए, अपने रोजगार के लिए, रोजगार मांगा था नहीं देता सब, मतलब हम लोग इस्तीफा दे दे। तो देखिए मतदान की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ढाई घंटे का समय हो चुका है मतदान को, और ऐसे में वोटिंग परसेंटेज 9 बजे का क्या है ये भी बहुत जल्दी से आपको बता देते हैं। संत कबीर नगर जिले में 9 बजे तक 7% मतदान हुआ है, ये बड़ी खबर मिल रही है। संत कबीर नगर जिले में 9 बजे तक 7% मतदान है, जबकि संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। ढाई घंटे से थोड़ा ज्यादा वक्त हो चुका है, 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं संत कबीर नगर का, जहां पर 9 बजे तक 7% मतदान हो चुका है। बिल्कुल ये शुरुआती आंकड़ा है, क्योंकि 2 घंटे के बाद वोटिंग परसेंटेज सामने आया है 9 बजे तक का, और अब देखिए ढाई घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है मतदान को, और 7% संत कबीर नगर में वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया है। और इसके अलावा महाराजगंज की भी बात कर ले तो देखिए महाराजगंज जिले में 9 बजे तक 9% मतदान हुआ है, संत कबीर नगर में 7%, महाराजगंज में 9% मतदान 9 बजे तक के ये वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं। महाराजगंज में 5 विधानसभा की सीटें हैं और वोटिंग हो रही है, मतदान हो रहा है, मतदान केंद्रों पर भारी उत्साह भी दिखाई दे रहा है, और जैसे जैसे वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक का सामने आ रहा है अलग अलग जिलों से वो हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए सिद्धार्थनगर जिले में 9 बजे तक 7% मतदान है, बिल्कुल ये शुरुआती आंकड़ा है। सिद्धार्थनगर की 5 सीटों पर अभी मतदान जारी है, ढाई घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन 9 बजे तक के आंकड़े क्या हैं अलग अलग जगहों पर वो हम आपको बता रहे हैं। सिद्धार्थनगर जिले में 9 बजे तक 7% मतदान है, बिल्कुल ये शुरुआती आंकड़ा है, जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे आंकड़े भी बढ़ेंगे। अब अंबेडकर नगर में 9 बजे तक के आंकड़े क्या है वो भी बता देते हैं। देखिए 9 बजे तक 9% मतदान अंबेडकर नगर में हो चुका है, अंबेडकर नगर में भी विधानसभा की 5 सीटें हैं जहां पर मतदान जारी है। ये आंकड़े जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे आंकड़े भी बढ़ेंगे, लेकिन 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। 5 सीटें हैं अंबेडकर नगर में और 5 सीटों पर वोटिंग परसेंटेज क्या रहा ये जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि 9 बजे तक का आंकड़ा हमारे पास आ चुका है। पहली जो सीट है अकबरपुर की सीट है, 9% यहां पर मतदान हुआ है। अगली जो सीट है कटहरी की सीट, यहां पर 9 बजे तक 10% मतदान हुआ है। अगली सीट की बात करें तो जलालपुर की सीट है और 11% यहां पर वोटिंग हुई है। टांडा की सीट पर 8% 9 बजे तक मतदान हुआ है। इसके बाद आखिरी जो सीट है अलापुर की सीट है और यहां पर भी 9% वोटिंग हुई है। बहुत शुरुआती आंकड़ा, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे का वोटिंग परसेंटेज आया है और उसमें अभी तक अगर देखें अंबेडकर नगर की सभी सीटों में तो कठेरी की सीट पर 10% मतदान हुआ है सभी सीटों में सबसे ज्यादा। इसके बाद जलालपुर की भी सीट है, जलालपुर की सीट में भी 11% का मतदान हुआ है। अब तक का सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज अंबेडकर नगर की सीट में यहां पर हुआ है। और डेटा सेंटर से गुंजन दीक्षित, ब्रेकिंग सेंटर से जया मिश्रा तमाम अपडेट्स आपको लगातार दे रहे हैं, आगे भी देंगे। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से भी आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको अंबेडकर नगर की बात बताएं कि वहां कटहरी से गठबंधन प्रत्याशी लालजी वर्मा ने अपना वोट डाल दिया है, और उसके बाद बातचीत में लालजी वर्मा ने अपनी विधानसभा सीट कटहरी में तमाम पोलिंग सेंटर्स पर अव्यवस्था का आरोप लगा दिया है। अंबेडकर नगर में पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी वर्मा साहब ने भी मतदान कर लिया है, मतदान के बाद वो हमारे साथ हैं। सर आपने वोट डाल दिया? जी। बताइए इस बार किस तरीके का माहौल देख? हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस समय समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक तरफा लहर चल रही है, और निश्चित रूप से इस चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीती। आज आपके साथ साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तकदीर का फैसला हो रहा है।
निश्चित तौर पर आम जनता सभी बातों को देख रही है और उसके अनुसार फैसला। और अपने सहयोगी यज्ञेश त्रिपाठी और कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, अंबेडकर नगर। और इधर कुशीनगर में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने वोट डाला और उसके बाद एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला ने उनसे खास बातचीत की, जो कुछ उन्होंने कहा आपको दिखाते हैं। अजय कुमार लल्लू हमारे साथ में है। अजय जी, 2012 और 17 में तो आपने यहाँ से जीत हासिल की थी, इस बार मुकाबला कड़ा देख रहे हैं? नहीं, कोई कड़ाई नहीं, जनता साथ में है और लगातार जनता के बीच में रहकर उनके बुनियादी सवाल को, चाहे कोरोना काल में जब लोग देश के किसी कोनों में फंसे थे उनको घरों तक पहुंचाने का काम, उनकी मदद करने का काम, जब ऑक्सीजन के नाते लोग मर रहे थे उस समय सारे अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर कंसंट्रेटर लगाने का काम, और लगातार लोगों के बीच में रहकर बुनियादी सवालों को लेकर संघर्ष करना, बाढ़ के मुद्दे पर, गन्ने के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, तो तमकुराज की जनता ने अपने बेटे और भाई को इस मुकाम तक पहुंचाया, तो फिर आशीर्वाद देने जा रही है और निश्चित तौर से पुनः आशीर्वाद तमकुराज की जनता का अजय लल्लू को मिलेगा। सत्रह में जब आप चुनाव जीते थे उस दौरान जो है समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन था, और इस बार अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी ने भी अपना एक उम्मीदवार उतारा हुआ है, तो मानते हैं कि मुकाबला उसकी वजह से भी, क्योंकि पिछली बार आपके लिए थोड़ा सा जब आसान मुकाबला था तब ज्यादा वोट मार्जिन नहीं था, इस बार तो और जो है समाजवादी पार्टी का अलग उम्मीदवार है। देखिए 2012 में भी लड़े थे, उस समय भी 8000 से चुनाव जीता था, पिछली बार 2017 में लड़ा 18000 से जीता, और इस बार 50000 से ऊपर से जीतूंगा। निश्चित तौर से तमकुई की जनता, तमकुई का गांव गरीब, तमकुई का नौजवान, तमकुई की महिलाएं अजय लल्लू को आशीर्वाद देने जा रहे हैं। तो अजय लल्लू की बात आपने सुन ली, लेकिन फासिल नगर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उनसे बात की हमारे सहयोगी ने, आपको दिखाता है। इस बार छठवें चरण के पूर्व में जो पांच चरण के चुनाव हुए हैं, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है, समाजवादी पार्टी पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है, और कुल मिलाकर के जो पश्चिम से परिवर्तन की आंधी चली है वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर तक बढ़ती हुई रफ्तार के साथ और आगे बढ़ी है। आज छठवें चरण में भी पूर्व की वहां पांचवें चरण जैसा ही वेव है और सातवें चरण में भी यही वेव रहेगा, यद्यपि योगी सरकार किसी भी तरीके से इनके इन प्रकरण हर हथकंडा अपना कर, यहां तक कि हिंसा, अराजकता, गुंडागर्दी की सीमा पार कर किसी तरीके से अपने को स्थापित करने के चक्कर में है, लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार सभी मुद्दों पर फेल हुई, 75 लाख नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया, नौकरी नहीं मिली, नौजवानों को पुलिस लाठियां खानी पड़ी, वहीं पर किसान विरोधी बिल लाकर किसानों की कमर तोड़ दी गई, किसानों की पूरी फसल छुट्टा जानवर और योगी किसान सर के बराबर कर दे रहे हैं, दलितों और पिछड़ों के आश्रम डकैती डाल दिया, इनकी गलत नीतियों से व्यापारी भी आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, भुखमरी के घर पर है। तो इस तरीके से आप जो है सवाल उठा रहे हैं, योगी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि गुंडागर्दी आप आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने खत्म कर दिया, उसके अलावा जो है एक देश में सुरक्षित माहौल की बात कर रहे हैं उसी सरकार में जिसमें आप भी मंत्री थे, तो अब जो क्योंकि पार्टी बदल गई इस वजह से आरोप लगा रहे हैं? देखिए पार्टी बदलने का कारण भी यही है, इनका जातिवाद का नया नाच, गुंडागर्दी, अराजकता, संवैधानिक व्यवस्थाओं का हनन, आरक्षण पर डकैती, किसान विरोधी बिल, गलत नीतियां, बेरोजगार नौजवान को रोजगार के नाम पर पुलिस की लाठियां, यही सब कारण है जो आज योगी सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में योगी हटाओ अभियान के तहत सपा लाओ यूपी बचाओ के अंतर्गत बड़े पैमाने पर जनता का वोट मिल रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर इतने जो है सरकार के खिलाफ वेव है, कोरोना से वो क्यों छोड़ दी, क्यों फाजिल नगर आ गए? आप ये जानते हैं कि कोई
अपनी तीन बार की जीती सीट छोड़ता है तो उसको अतिविश्वास है कि इस सीट पर हमारा कोई भी प्रत्याशी लड़ेगा वो जीतेगा। हमने जो लिया है वो जीती सीट नहीं लिया, दो बार की हारी सीट लिया। और जो सबसे टफ होता है, रफ होता है, मैं वहीं पर जोर आजमाइश करता हूँ।